गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट टुडे आई शैल टीच यू क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फिट एंड लेसन नंबर 5. नेम ऑफ द चैप्टर इज फुटप्रिंट्स विदाउट फिट एंड नेम ऑफ द राइटर इज एच जी वेल्स एंड इट्स ए पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट अवर सेकेंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड बिफोर दिस वी हैव रेड. इससे पहले हमने पढ़ा था दैट द ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था एंड ही स्वेलोड सम ड्रग्स. वो कुछ जो ड्रग्स को स्वेलो करता है एंड देन ही बिकेम इनविजिबल. फिर वो अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लेता है एंड द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. अगली कहानी यहाँ से शुरू होती है. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन. और वो बहुत उत्सुक था कि वो लंडन की जो भीड़ वाला इलाका था वहाँ से चले जाना चाहता था. ईगर टू गेट अवे, बहुत उत्सुक था जाने के लिए. कहाँ से? क्राउडेड लंडन से. ही टू के ट्रेन, फिर उसने एक ट्रेन ली और जहाँ पे गांव था, आइपिंग विलेज था, वहाँ पे चला गया. वेयर ही बुक टू रूम्स, वहाँ पे उसने दो कमरे बुक कराए एट द लोकल इन. वो आइपिंग विलेज चला गया एक ट्रेन से, बाय ट्रेन, और वहाँ जाके उसने जो है एक सराय में, लोकल सराय में जो है धर्मशाला में उसने दो कमरे बुक करवा लिए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन ए विंटर वॉज एन इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, कहते एक अजनबी का आना इनके अंदर, एक सराय के अंदर जो है एक अजनबी का आना जो है सर्दियों में, वॉज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट. ये एक अनयूजुअल इवेंट थी, जो कभी ना होने वाली घटना थी वो थी ये. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग्स वैगिंग. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, कहते स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन, कहते जब कोई ऐसा अनकॉमन जो है अजनबी आ जाता है, अपीयर होता है, तो ऑल द टंग्स वैगिंग, ऑल द टंग्स वैगिंग, सारी जो टंग्स होती हैं जुबान, तो सारी जुबानें जो वैगिंग बातें करने लग जाती है, सब लोग बातें करने लग जाती हैं कि ये कौन अजनबी आ गया रात को. मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. और मिसिज हॉल जो थी, लैंडलॉर्ड की पत्नी जो थी, उसने जो है सारी कोशिश की कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाए. मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड इज लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लैंडलॉर्ड जो है मालिक की, मकान मालिक की जो पत्नी थी मिसिज हॉल, उसने सारे एफर्ट्स किए कि वो फ्रेंडली हो जाएगी. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, परंतु ग्रिफिन की कोई इच्छा ही नहीं थी बात करने की. एंड टोल्ड हर, और उसे बोला, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा कारण जो है ना यहाँ पे आइपिंग गांव में आना, वो मेरी ये इच्छा है कि मैं सॉलिट्यूड रहना चाहता हूँ, अकेला ही रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं किसी भी काम में जो है, आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे मेरे काम में. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट वॉज अफेक्टेड, एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस. उसने कहा इसके अलावा जो एक्सीडेंट है उसने मेरे चेहरे को जो है इफेक्ट किया, मेरे चेहरे पर इतना असर हुआ है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इंसेंट्रिक, वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गई कि उसका जो गेस्ट आया हुआ है सराय में रहने के लिए, जो अजनबी इंसान है, वो इंसेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक सनकी जो है वैज्ञानिक है. इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. इन व्यू ऑफ द फैक्ट, कहते ये असल में ये फैक्ट है दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने जो है उस एडवांस में पेमेंट कर दिया. ग्रिफिन ने जो है वो वहाँ की जो मालकिन थी सराय की, उसको एडवांस में ही पैसे दे दिए वहाँ रहने के लिए. मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, और जब मिसिज हॉल ने उससे पैसे तो ले लिए थे और अब वो तैयार थी क्या, एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, जो उसकी अजीब बातें थी, अजीब आदतें थी अजनबी की, उसको वो इग्नोर कर रही थी, एक्सक्यूज कर रही थी, माफ़ कर रही थी. एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो ग्रिफिन का जो था साइंटिस्ट का नेचर भी तो क्या था, चिड़चिड़ा था, उसको भी इग्नोर कर रही थी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु कहते जो चुराया हुआ पैसा ना, वो ज़्यादा टाइम तक तो रहता नहीं है. प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन ने ये कह दिया अब मेरे पास और पैसा नहीं है. ही प्रेटेंडेड, उसने ये दिखावा किया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने ये भी एक बहाना बनाया, एक दिखावा किया, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, कि उसको उम्मीद है, क्या उम्मीद है, ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी टाइम पे जो है उसका चेक आ सकता है, लेकिन उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन चेक की उसको उम्मीद है. शॉर्टली आफ्टर वर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ओपन, और थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी सी क्यूरियस एपिसोड, बड़ी एक अजीब सी घटना हुई. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह ही जल्दी एक क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी जो है
वर अवेकंड इज बाय हिज नॉइज, उसके शोर से उठ गए इन द स्टडी, स्टडी में। तो कहते एक जो शॉर्टली आफ्टर बाद, उसके बाद एक बड़ी अजीब सी घटना हुई कि बहुत सुबह ही क्लर्जीमैन और अपनी क्लर्जीमैन होता है जो पादरी होता है, पादरी होते जैसे चर्च घर में होते हैं, तो वो क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी जो है जैसे ही उठे उनको शोर की आवाज़ आई स्टडी रूम में, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, कोई नीचे जा रहा है। दे हर्ड ए चिंक ऑफ मनी, और उनको पैसों की भी आवाज़ सुनाई, बी टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और उन्हें आवाज़ आ रही थी कि क्लर्जीमैन के डेस्क से जो है उसके दराज से जो है कोई पैसे निकाल रहा है, पैसों की खनखनाहट, चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनकने की आवाज़ आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, नीचे जो है नीचे जाना सीढ़ियों से नीचे जो है, दे हर्ड, उन्होंने आवाज़ सुनी कि पैसों की आवाज़ आ रही है और क्लर्जीमैन के डेस्क के, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रेस फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर के करते हुए, और क्या हुआ, विद ए पोकर ग्रेस फर्मली, पोकर होता है एक जो कैरी साफ करने वाली एक होती है खुरपी जिसको बोलते हैं, या एक कोई और हथियार होता है, विद ए पोकर ग्रेस फर्मली इन हिज हैंड, उसने एक पोकर जो है एक हथियार जो है अपने हाथ में लिया, फर्मली मजबूती से पकड़ा अपने हाथ में, और द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जी मैन ने जो है झटके से दरवाजे को खोल दिया, और वो हथियार लेके गया ना कि देखो पता नहीं कौन चोरी कर रहा उनके डेस्क से जो है, क्लर्जी मैन के डेस्क से कौन पैसे चोरी कर रहा है, क्योंकि पैसों की खनकने की आवाज़ आ रही थी सिक्कों की। तो क्लर्जी मैन ने पोकर लिया अपने हाथ में और धीरे से गया वहाँ पे और दरवाज़ा एकदम झटके से खोला और क्या बोला, सरेंडर, समर्पित कर दो आपको, सरेंडर कर दो मुझे, अपने हवाले कर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और उसने क्या देखा स्टूडेंट, जब वो क्लर्जी मैन पोकर अपने हाथ में जो है लेके चल दिया, उसको अपने अपने साथ हथियार लिया और चल गया देखने के लिए कि वहाँ पे कौन पैसे चोरी कर रहा। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, फिर उसकी क्या हैरानी थी, क्या अमेजमेंट थी, अमेजमेंट में हैरानी थी कि ही रियलाइज, उसने क्या महसूस किया उसने वहाँ जाके, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो सारा खाली पड़ा हुआ है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी ने जो है डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर देखा, देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, येट द डेस्क हैड बीन ओपन, परंतु डेस्क खुला हुआ था जिसमें से पैसे निकले थे, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर के पैसे रखे थे वो भी चोरी हुए थे, मिस हुए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, कहता है ये तो बहुत है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन यही कहता रहा कि वहाँ कोई बंदा नहीं और वहाँ पैसों की आवाज़ आ रही है, सारा दिन जो यही कहता रहा था, क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग, सारा दिन यही कहता रहा, रेस्ट ऑफ द डे पूरा दिन यही कहता रहा, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हाल्स फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, परंतु ये भी कहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से कम नहीं था, एज द बिहेवियर ऑफ द मिसिज हाल्स फर्नीचर, और जो मिसिज हाल ने फर्नीचर का था, मिसिज हाल के घर का जो फर्नीचर था उसका जो बिहेवियर था वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, और उसी समय उन्होंने देखा कि उसका जो फर्नीचर था वो भी सारा अस्त व्यस्त हुआ हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, और द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, और जो वो सराय की मालिक था और उसकी पत्नी थी, वो जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और बड़े हैरान हुए ये देख के कि जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन था उसका डोर जो है वो खुला हुआ था, बहुत ज़्यादा खुला हुआ था, यूजली इट वॉज शट, अक्सर वो हमेशा बंद करके रखता था, लॉक करके जाता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और उसे जो है जो मालिक था वहाँ का, लैंडलॉर्ड था, उसको फ्यूरियस गुस्सा आ रहा था इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, कि उसके कमरे में कोई घुसा है, द अपॉर्चुनिटी सीम टू गो टू बी मिस्ड, और ऐसा लगता था कि मौका बहुत अच्छा है, टू गो टू मे बी मिस, के ये मौका जो है मिस नहीं करना चाहिए, दे पीव्ड राउंड द डोर, उन्होंने राउंड द डोर दरवाजे के चारों तरफ जो है उन्होंने झांका, सा नोबडी, कोई था ही नहीं अंदर, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं, द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, और जो बेड क्लॉथ थे कपड़े पड़े थे वो सब ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट जो है कुछ देर के लिए जो है
चला गया है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, स्ट्रेंजर स्टिल, और जो अजनबी अभी भी, द क्लोथ्स बेंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, जो वो कपड़े पहनता था, बैंडेज थी, और वो सारे जो उसके कमरे के चारों तरफ पड़े हुए थे, यहाँ पे लाइंग मीन्स पड़े हुए थे वहाँ पे, ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर सब पड़े हुए थे. ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और अचानक ही क्या हुआ स्टूडेंट, ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हॉल ने क्या सुना, स्निफ. स्निफ होता है छींकने की आवाज़, जब नाक से छींकते हैं तो. स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसने अपने कानों के पास जो है उसको छींकने की आवाज़ आई. ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप. और थोड़ी देर में क्या देखा कि जो बेड पोस्ट के ऊपर जो तकिए के पास हैट पड़ा हुआ है वो भी लिफ्ट अप कर रहा, जंप हो रहा है. टोपी पड़ी हुई है और वो अपने आप ही जंप कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है. एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस. और वो टोपी जो है उसके फेस से टकराती है, चली जाती है. डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस. और जब वो मकान मालकिन थी उसके चेहरे के ऊपर टोपी आके टकराती चली जाती है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. फिर क्या हुआ, जो बेडरूम में कुर्सियाँ पड़ी हुई थी वो भी अलाइव थी स्टूडेंट, उनमें भी जो है हरकत थी. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लग एंड लेग्स फॉरमोस्ट. और कुर्सियाँ जो थी वो उनमें भी हरकत हो गई. और क्या हुआ, स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, हवा में जो इधर उधर जो है स्प्रिंग करने लगी, झूलने लगी. इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. और जो उसकी टांग को जो है उसको आके चार्ज किया, उसकी टांग पे सीधी आके कुर्सी लगी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर. और जैसे कुर्सी उनके पास अपने आप ही घूमती हुई आई. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर. और वो और उसका जो जो मकान मालकिन थी और उसका पति था, वो टर्नड अवे मुड़ के वो डर से कि ये क्या हो रहा है. द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम. और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर जो थी वो उसने क्या किया, पुश कर दिया, दोनों को धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया. कुर्सियाँ जो है हवा में उड़ रही थी अपने आप ही. और उन्होंने मकान मालिक और उसकी जो पत्नी थी उनको जो है कमरे से बाहर निकाल दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम और एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और उसके बाद क्या हुआ, दरवाज़ा जो है एंड अपीयर टू स्लैम एंड लॉक. स्लैम दरवाज़ा बंद हुआ, स्लैम हुआ एंड लॉक द डोर, दरवाजे को ताला भी लग गया उसके बाद में. मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक. और मिसिज हॉल जो है वो तो ऑलमोस्ट गिरी गई सीढ़ियों में इन हिस्टेरिक, बेहोश हो गए. शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स. उन्हें ऐसे लगा कि कमरे के अंदर कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है जो डरा रही है, हॉन्ट कर रही है. रूम वॉज हॉन्टेड बाई द स्पिरिट. और कमरे में तो डर था कि ऐसी कोई आत्मा आ गई है. एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज. और किसी तरीके से ये जो अजनबी है इसने ये किया है कि ये सब जो है कमरे के अंदर जो फर्नीचर के साथ हो रहा है. द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. के फर्नीचर के साथ ये जो हो रहा है ये अजनबी की हरकत है. माई पुअर मदर यूज टू सिट एंड दैट चेयर शी मॉन्ड. और वो जो है मकान मालकिन कह रही थी कि मेरी माता जो है, मेरी बेचारी माँ जो है इस पे बैठा करती थी, इस कुर्सी पे. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और ये सोचते हुए कि ये कुर्सी दोबारा से उठेगी, मेरे सामने आएगी. द फीलिंग अमंग द नेबर वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट. और द फीलिंग अमंग द नेबर. और जो पड़ोसी थे ना वो ये सोच रहे थे कि ये ट्रबल वाज कॉज्ड, ये मुसीबत कहाँ से आई है, बाय विच क्राफ्ट. विच क्राफ्ट होती है जो भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, कोई भूतनी है. तो कहते ये जो ट्रबल जो है विच क्राफ्ट से जो है शुरू हुई है. बट विच क्राफ्ट और नॉट, परंतु ये विच क्राफ्ट है या नहीं है. वेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट क्लर्जी मैन होम बिकेम नम. जब ये खबर आई, वेन द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, जब ये खबर आई कि डकैती हो गई है, चोरी हो गई है. वेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन. और ये न्यूज़ आई कि चोरी कहाँ पर हुई है, क्लर्जी मैन के घर पर हुई है. बिकेम नॉन, ये पता चल गया सबको. द स्ट्रेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट. तो ये सब लोगों को लग गया कि ये जो अजनबी वैज्ञानिक आया है ये सस्पेक्टेड है, इसी पे संदेह किया जा सकता है कि हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसी का हाथ इसमें हो सकता है. सस्पिशियस ग्रू इवन स्ट्रोंगर. और जो संदेह था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया. व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने जो है कुछ रेडी कैश दिया. दाउ ही हैड एडमिट नो लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी. उसने पहले ये बताया था कि उसके पास पैसा नहीं था.
ही सडनली प्रोड्यूस, अचानक ही उसने कैश दिखा दिया। तो उससे पहले तो उसने ये बोला था कि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया हुआ है और मेरे पास चेक आने की उम्मीद है। दाओ ये हैड एडमिटेड नो लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, और पहले उसने ये एडमिट किया था कि उसके पास तो पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और जो विलेज कॉन्स्टेबल था गाँव का पुलिस वाला था उसको जो है सीक्रेटली बुलाया गया बिना किसी को बताए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, कहते कॉन्स्टेबल को कॉन्स्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिस हॉल जो है वो विज्ञानी के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, कहते मिसिस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई, लेकिन वो क्या था, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली होता है रहस्य से, अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और वो खाली कमरे से ही अब जो अपीयर हो गया नज़र आया। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, उसने बोला मैं जानना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, ऊपर जो है मेरे कमरे में जो है कुर्सियाँ पड़ी हैं उनके साथ तुम क्या कर रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। शी डिमांडेड, उसने डिमांड की इस चीज़ की। एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और ये जो तुम कमरे को ताला लगा हुआ है तुमने इसमें किस तरह से एंटर किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और जो वैज्ञानिक था उसको तो हमेशा ही जो है क्विक टेम्पर रहता था, गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको गुस्सा आया। यू डोंट नॉट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड, उसने चिल्ला के बोला तुम्हें नहीं समझ आती कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, आई शेल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक ही उसने क्या किया, अपनी बैंडेज पट्टियों को उतार दिया, विस्कर अपनी दाढ़ी को उतार दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मों को उतार दिया, एंड इवन नोज, नाक को भी उतार दिया जो नकली नाक लगा रखी थी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और उसको एक ही मिनट लगा विज्ञानी को, उसने सारी अपनी बैंडेज विस्कर स्पेक्टिकल्स नोज जो सारा ये नकली लगा रखा था अपने चेहरे पर उतार दिया। द हॉरीफाइड पीपल इन द बार फाउंड देम सेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, एंड द हॉरीफाइड पीपल जो कहते जो डरे हुए लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, और फाउंड देम सेल्फ, उन्होंने क्या देखा, स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, उन्होंने देखा एक आदमी है जिसका सिर ही नहीं है, सारी उसने ये चीज़ें उतार दी और उसके बाद उसका सिर नहीं था। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल, और वहाँ उन्होंने कॉन्स्टेबल को बुलाया, पुलिस वाले को बुलाया मिस्टर जेफर को। नाउ अराइड, वो वहाँ पर आ गया, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, एंड वॉज ए क्वाइट सरप्राइज, और वो बहुत हैरान हो रहा था स्टूडेंट ये देख के कि टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट, कि उसको अरेस्ट करना है, उस आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु जेफर को तो अपनी जो है ड्यूटी करनी थी, वो अपनी ड्यूटी को तो रोक नहीं सकता था। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, वो नहीं रोक सकता था, स्टॉप नहीं कर सकता था अपने आप को अपनी ड्यूटी से। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि पर्सन को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, फिर उस पर्सन को तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड, बिना चाहे वो सिर के साथ हो या बिना सिर के साथ हो, कॉन्स्टेबल को तो उसको अरेस्ट करना ही है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, देन देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, कहते फिर एक बड़ा ही रिमार्केबल सीन हुआ, अजीब सीन हुआ, एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे ही पुलिस वाले ने कोशिश की गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक आदमी को पकड़ने की कोशिश की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर द अनदर, पहले वो एक कपड़ा उतार के फेंक देता, फिर दूसरा, और उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी। पहले उसने अपनी दाढ़ी वगैरह उतारी, चश्मा, नाक सब उतारा था, वो उसका हेड नहीं दिख रहा था, फिर जैसे उसने शरीर के एक एक कपड़े उतारने शुरू किए तो उसका शरीर भी नज़र नहीं आ रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में क्या हुआ, एक शर्ट जो है हवा में उड़ गई, एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कॉन्स्टेबल को ये लग रहा था, पुलिस वाले को, वो किस स्ट्रगल कर रहा है विद समवन ही कुड नॉट सी, और जो उसको दिखाई नहीं दे रहा पुलिस वाले को, उसके साथ जो है उसका स्ट्रगल चल रहा है, उसकी फाइटिंग चल रही है, उसका झगड़ा चल रहा है। He could not see at all, वो कहता है कॉन्स्टेबल उससे झगड़ा कर रहा था, उससे फाइटिंग चल रही थी, जो है ना, he could not see at all, जिसको वो देख नहीं सकता था। Some people tried to help him, और कुछ लोगों ने जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश भी की।
कॉन्स्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देम सेल्फ हिट बाय द ब्लोज। जब वो जो लोग थे जो खड़े हुए थे वो कॉन्स्टेबल की हेल्प कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हो रहा था, स्टूडेंट फाउंड देम सेल्फ हिट बाय ब्लोज। उनको ऐसे आ रहा था जैसे कोई हाथ से मुक्का बना के ना उनके मुंह पे मार रहा है, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। और ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो मुट्ठी बना के मुक्का बना के जो है उनको मार रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब चेहरे पे चोट लगती थी तब उन्हें पता चलता था किसी ने उनके चेहरे पे जोर से ब्लो किया है। इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड, और आखिर में क्या हुआ, जेफर वाज नॉक्ड, जेफर को उसने नॉक धक्का किया अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। कहते इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। कहते जैसे ही उसने लास्ट अपनी कोशिश की अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, वैज्ञानिक को पकड़ने के लिए जो दिख नहीं रहा था, तो क्या हुआ, उसने जो है जेफर को नॉक किया, उसने जेफर को धक्का दिया और जेफर जो है कॉन्स्टेबल अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस, वहाँ सब घबरा गए, एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, एक्साइटेड क्राइज, और लोग चिल्ला रहे थे होल्ड हिम पकड़ो इसे, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। कहते ये कहना तो बस आसान था कि होल्ड हिम पकड़ो इसे, लेकिन करना बहुत मुश्किल था, डन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया, ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को पता ही नहीं चलता था कि हम अपना हाथ कहाँ रखें उसको पकड़ने के लिए, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो ड्रग्स को स्वॉलो करता था और उसके बाद इनविजिबल, उसकी बॉडी सारी इनविजिबल हो जाती थी, वो तो होता था लेकिन उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाती थी। सो नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था उसको पकड़ना चाहते थे, नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, कि उसके शरीर के ऊपर कहाँ पे हाथ रखना है उसको पकड़ने के लिए। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू कम्प्लीट चैप्टर एंड आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड स्टूडेंट स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स। Thank you, have a nice day. God bless you all.